I'm gonna take it away from you. His patience, wonderful. We're ready to walk ahead. You're right. Please move to your right, because you're going to create a logjam here. We don't want, and we're flagging them off right now. Start walking, all of you. Please start walking. And enjoy your walk. Hi, keep the spirits high. Our cameras are following you. It's a live broadcast. So India is watching as much. I'm going to request all of you to keep walking. Please keep walking. Please keep walking. Wonderful. I see that entire group from Federal Bank. Great. Enjoy your walk, gentlemen. Oh, that's the lovely ladies I spoke to in the morning. Please keep walking. Please don't. Please pick up the pace. There are people behind you. You're blocking passage, sir. All right, all the participants of the 2 kilometer Max Bupa Walk for Health, make your way to the start line, please. We are ready for flag off, because you're creating a jam behind you. आपका सवाल था कि सेलिब्रिटीज का क्या असर है इस प्रोग्राम। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं पहले तो बधाई और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भूपा लोगों को, टाइम्स नाउ को, और जितने भी लोग आए हैं आज सुबह, संडे सुबह उठ के पैदल करने, वॉक करने आए हैं, उनको मैं सब उनको बधाई देता हूँ एंड माई कंग्रेचुलेशंस फॉर देम। और मेरे ख्याल से कि जितने भी लोग जो जाने पहचाने, जो नाम सेलिब्रिटीज जिसे कहते हैं, उन्हें यहाँ आकर इसे सपोर्ट करना, इसे सहायता देना और इनको हौसला देना कि हम सब एक साथ हैं और देश के सेहत के लिए ये सुबह उठ के चलना बहुत ज़रूरी है, और इसका और मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ। Yeah, rolling. ये जो मैक्स बुपा वॉक फॉर हेल्थ है, बहुत ही उमदा इनिशिएटिव है, और मुझे बहुत खुशी हुई जब आके मुझे बताया गया है कि ये करने का प्लान था। और अगर मैं कुछ लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं हमेशा से बिलीव करती आई हूँ कि हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छी बॉडी होना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छा हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई जस्ट हैव कम टू प्रोपगेट दैट थॉट। एंड वॉकिंग इज़ द ईजिएस्ट वे टू कीप फिट, टू बॉन्ड विद द फैमिली, और यही मेरी सोच है और मैं करती हूँ अपने फैमिली के साथ, तो क्यों ना सब लोग करें। I think everyone has a right to be fit, not just the town people, even the suburbs. तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरफ किया गया है काफी टाइम के बाद। और पिछले साल कुछ 16,000 एनरोलमेंट्स हुई, इस बार 20,000 से ऊपर एनरोलमेंट किए गए। तो आई रियली थिंक दैट ये जो अवेयरनेस है बढ़ रही है, और
you know, it has to be promoted also. You have a great body at this time. You are one of the best in Bollywood. What are you considering? Discipline. मेरी ज़िंदगी का असूल बस यही है कि मैं डिसिप्लिन के साथ जीऊँ. ज़िंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना हो डिसिप्लिन के साथ पॉसिबल नहीं होगा, डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं होगा. तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं लोगों को कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, यू विल बी फिटर एंड यू विल फील हेल्दियर. सो एंड इफ यू आर हेल्दी यू विल बी हैप्पी. आप बताइए, आपको लगा कि किसी को इम्पैक्ट पड़ा आज? आई डोंट नो. मैं अच्छे मन से करती हूँ, यही सोच के कि हम बहुत सारे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं. वो ऑब्वियसली यू नो दोस ब्रांड्स दैट वी एंडोर्स, जब हम लेवरेज करते हैं अपने नाम को, तो ऑब्वियसली पीपल गेट स्टर्ड इन दैट डायरेक्शन. तो क्यों ना एक ऐसे इवेंट के लिए जहाँ पे हेल्थ का सवाल हो, अगर लोगों को लगता है कि मैं करती हूँ तो क्यों ना वो भी करें. That's that. Health like diet, how do you follow the diet? No, definitely. I think healthy होने के लिए एक अच्छा diet का होना बहुत ज़रूरी है. Diet के बारे में आपको बहुत जल्द पता चलेगा, मैं एक book लिख रही हूँ. तो that should be releasing early next year. और मैं बहुत पैशनेट हूँ हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेके. तो मेरी ये तमन्ना थी कि, और बहुत लोगों ने मुझसे बोला भी कि क्यों ना आप कुछ लिखो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ और काम जारी है. योगा के लिए क्या होगा? योगा, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज टू ब्रीथ राइट. यू हैव टू ब्रीथ राइट. लोग ब्रीदिंग करना भूल गए, पता है? हम लोग बस भाग रहे हैं, ये अचीव करेंगे, वो अचीव करेंगे. वी फॉरगॉटन हाउ टू ब्रीथ. तो बस 10 मिनट दिन में आप निकालो, बैठो, ब्रीथ करिए ओपन एयर में, अपने एसी कैबिन में नहीं, ओपन एयर में बस थोड़ा सा ब्रीथ करिए. हम सब मुश्किल दौर से गुजरते हैं, बहुत टेंशन्स होती है हमारी ज़िंदगी में. तो ट्राई दिस, जब आपको लगता है बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, जस्ट गो आउट, टेक अ वॉक wherever close by and just breathe. Do it 10 times and you will, it'll make a big difference in your life. आपको पता चल जाएगा. अब मैं वॉक आउट कर रही हूँ.